जैन स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। यस्टरडे वी हैड स्टार्टेड प्रोनाउंस, हमने कुछ बेसिक किया था उसका कि प्रोनाउंस बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं ताकि रेपिटेशन ना हो। फिर हमने कुछ केसेस किए थे, राइट? नॉमिनेटिव, जिसमें सब्जेक्टिव होता है, बेसिक नॉमिनेट सब्जेक्टिव होता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है जिसमें, फिर ऑब्जेक्टिव, लास्ट पोजेसिव, ठीक है। फिर हमने, मैं आपको बताया था कैसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि माई और माइन है। सो जो पोजेसिव एडजेक्टिव हो, इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन, जैसे कि दिस इज माई बुक, सो बुक नाउन है, तो हमेशा जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, इट विल बी फॉलोड बाय नाउन। अब क्योंकि प्रोनाउन हम नाउन की जगह यूज करते हैं, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है दिस बुक इज माइन बुक, सो दिस बुक इज माइन, सो माइन के बाद कोई नाउन बेसिकली कोई फॉलो नहीं होगा। सो बेसिक हमने डिस्कस किया था, कुछ रूल किए थे हमने, आज हम उनको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए, यू एज वेल एज आई इज आर रेडी टू डू द वर्क। सुन, याद रखना, जब एज वेल एज, ये ना सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी करेंगे, जब भी एज वेल एज से जुड़ता है ना, तो हमारा जो वर्ब आता है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। यहां फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू के हिसाब से हमारा वर्ब आएगा, समझ रहे हो आप? अगर आई इधर होता तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आता, तो यहां पे फिर एम लग जाता, समझ रहे हो? ऐसे। सो दो सब्जेक्ट्स, अब यहां इस केस में दो प्रोनाउन है, जब भी एज वेल एज से जुड़े होंगे, हमारा वर्ब किसके हिसाब से आएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। ये तो देखो, ये तो बेसिक इजी है, जो प्रोनाउन है ना वो सेम नंबर जेंडर पर्सन का होना चाहिए जिस नाउन के लिए वो स्टैंड करता है। आप देखो, जैसे राम, यहां मैं राम की बात कर रहा हूं, वो एक काइंड बॉय है, ही अब राम के लिए ही है, हैज भी उसके लिए है, सिंगुलर वर्ब, ये देखो हिज प्रोनाउन भी इसके लिए ही है। इस राम के लिए ही स्टैंड कर रहा है प्रोनाउन, देखो अब वो भी उसी हिसाब से होगा। अब यहां देख लो, वो बैगर्स, वो वाले बैगर्स आर आइडियल, प्लूरल वर्ब लग गया, दे प्लूरल आ गया, और दे आर लिविंग। अब सुन, यहां से बड़े इंपॉर्टेंट रूल शुरू होते हैं। देखो, कहता है जब एक प्रोनाउन किसकी किसके लिए स्टैंड करता है, कलेक्टिव नाउन के लिए, कलेक्टिव नाउन को पता ही है, जैसे कि ज्यूरी, ठीक है, आर्मी, कमेटी, ठीक है, ये समूह है ना लोगों का, तो उसको, ये हम हमारे सारे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। सो अब देखिए, कहता है कि जब एक प्रोनाउन स्टैंड करता है कलेक्टिव नाउन के लिए, वो सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, यानी वो सिंगुलर होना चाहिए अगर हम उस नाउन को व्यू करें एज अ होल। आपको कुछ कुछ याद होगा, हमने ये वाले रूल अभी नाउन में करके हटे हैं। सो अगर आपको वो रूल समझ आ गया था, ये भी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्राइवेशंस इन इट्स मार्च। ये देखो, इट्स मार्च, यहां पे मैं आर्मी, एक आर्मी को एक मान के बात कर रहा हूं, इसीलिए जो प्रोनाउन लगा है वो सिंगुलर लगा है, इट्स सिंगुलर के लिए होता है। आर्मी में तो देखो, आर्मी तो बहुत ऑफिसर होता है, आर्मी तो लाखों उसमें काम करते हैं लोग, बट यहाँ पे मैं आर्मी को एज अ यूनिट मान के बात कर रहा हूँ, एक, इसीलिए यहाँ पे जो प्रोनाउन है सिंगुलर आया। और स्टूडेंट्स, याद आया आपको, ये भी हमने किया हुआ है, इसमें उल्टा हो जाता है, ये इट्स पोजेसिव वाला बन जाता है, जो ये वाला होता है पोजेसिव होता है, अपोस्ट्रोफी एस वाला होता है इट इज या इट वाज, और रिवाइज कर लेना वो। अब प्राइवेशंस बेसिकली ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रह गया, ठीक है, डर्थ ऑफ रिसोर्सेस, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बुरे हाल हो गए। ये देखो, आफ्टर फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। अब यहां पे ज्यूरी ने मिलके एक वर्डिक्ट दिया, ज्यूरी में कौन होता है, जजेस बैठे होते हैं, उनकी एक सहमति का डिसीजन है, तो इट्स
सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर माना है। फटाफट अभी नोट कर रहे स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो हमने अब इस केस में देखो, वैसे मैं ये सब्जेक्ट मैं आगे अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हम इसको करने वाले। यहाँ कह रहा है कि ये सिमिलर केस है, इस केस में अगर जो हमारा नाउन है हम उसके मेंबर्स की बात करें, जैसे कि ज्यूरी है, ठीक है, कमेटी है, अगर मैं कमेटी कमेटी एज अ होल नहीं, उसके अंदर जो मेंबर्स उसकी बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको हमने नाउन में एग्जाम्पल भी किए थे, द कमिटी आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, सो इससे पता लग रहा है कि कमेटी के जो अंदर मेंबर है ना आपस में लड़ रहे हैं, वही बात है। कहता है जब मेरा नाउन कन्वे करेगा सेपरेट इंडिविजुअल्स, मैं इंडिविजुअल्स पे फोकस रखूंगा रादर देन द ग्रुप, तो उस केस में जो प्रोनाउन मेरा प्लूरल हो जाएगा, जैसे कि देखो द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स होगा, या सीट्स विदाउट लिविंग देयर सीट्स, The committee decided the matter without leaving their seats. अब ये देखो यहाँ पे देयर बता रहा है कि मैं कमेटी के जो कमेटी तो एज अ होल है ही है, पर यहाँ पे मेरा फोकस किसके ऊपर है, जो कमेटी में मेंबर्स हैं उनके ऊपर है, तो इसीलिए वहां पे प्लूरल लग गया देयर सीट्स, प्लूरल नंबर है, देखो देयर प्लूरल नंबर है, इट्स सीट नहीं आया, इट्स सीट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मैं ये जो मेरा फोकस है कमेटी के ऊपर नहीं है, बजाय उसमें जो लोग हैं उनके ऊपर है, या मेंबर्स हैं उसके ऊपर। थोड़ा सा इसको अगर देखो नाउन से भी काफी कुछ मिलता है इसमें, और जब आगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे उसमें भी काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं ये, सो आपको तीन चार बार करोगे रिवाइज हो जाएगा। आप जब देखो जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन होते हैं एंड से याद रखना, तो हमने प्लूरल नंबर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा कॉमन है। देखो राम एंड श्याम, ये देखो दो नाउन जुड़ रहे हैं ना एंड से, राम एंड श्याम वर्क हार्ड, दे आर प्रेस्ड बाय देयर टीचर, देखो उनके टीचर से प्लूरल, अब इसी में देख लो अगर इस केस में हम रेफर कर रहे हैं सेम पर्सन या थिंग को, यानी अलग अलग बंदे नहीं है, सेम बंदा है, तो सिंगुलर आएगा। ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत आता है, देखो द सेक्रेटरी, इसमें देखो मैंने अगर आपको याद हो हमने नाउन में पढ़ा था द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर हो तो दो अलग अलग बंदे हैं, द अगर पहले वाले पे लगा हुआ है ना आर्टिकल तो यानी ये सेक्रेटरी भी और ट्रेजरर दोनों एक ही बंदे हैं, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजिबल ऑफ हिज ड्यूटी, देख लो इज सिंगुलर ऑफ हिज ड्यूटी, एक ही बात हो रही है। सुन ये जो रूल है ना ये तो पेपर में
आप लगा लो आएगा ही आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। कहता है जब दो सिंगुलर नाउन ज्वाइन करते हैं एंड से, जैसे ऊपर कर रहे थे ठीक है, बट दे आर प्रिसीडेड बाय ईच एंड एवरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिसीडेड का मतलब पहले आए। सो पहले आपने देखना है दो सिंगुलर नाउन हो, जुड़े किससे हो, एंड से, उसके बाद प्रिसीडेड मतलब, प्रिसीडेड का मतलब सक्सीडेड होता है बाद में, प्रिसीडेड होता है पहले, उनसे पहले या ईच आई एवरी आए, तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये देखो एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, अब देखो ये तो एंड से जुड़ रहे हैं ना, सोल्जर और सेलर, बट इससे पहले क्या है एवरी, इसीलिए यहां पे हिज आएगा यानी सिंगुलर प्रोनाउन। अबव वाले केस में ही बस आपने देखना है प्रीसीडिंग का मतलब पहले, जैसे ये एवरी आ रहा है, अगर ईच आएगा तब भी यही होगा, सिंगल प्रोनाउन आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन ज्वाइन होते हैं, या तो और से, या इधर और से, या नीदर नॉर से, ये आप कंजंक्शन में पढ़ने वाले हैं, इधर और मतलब या ये या वो, नीदर नॉर ना ये ना वो, और का मतलब पता है या ये या वो, ठीक है, प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करो, ये क्वेश्चन आते रहता है। तो जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन ज्वाइन होते हैं बाय और से, या इधर और से, या निधर नॉर से, तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा, जैसे कि ये देखो निधर राम नॉर श्याम। सो निधर नॉर से जुड़ रहा है ना, दो सिंग दो दो नाम जुड़ रहे हैं कि नहीं, अब देखो जो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा। Either राम और शाम मस्ट लेंड हिज हैंड हेल्प करने के लिए, वो हिस्सा आएगा। सो बेसिकली आपने देखना है कि ये रे दो नाउन जुड़ किससे रहे, नीदर नॉर से, नाउन सिंगुलर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स ये ज्यादा जो ये जो ज्यादा रूल्स है ना, ये डेफिनेटली ज्यादा इंक्लाइंड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। सो अगर आपने यहीं पे कर लिया ना, तो चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, उसमें भी सिमिलर ऐसा ही है, काफी रूल मिलते जुलते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, वो तो ऑब्वियसली वर्ब के साथ सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है। अब ये कहता है पहले तो ऊपर देखो सिंगुलर नाउन को जोड़ रहे थे, यहां पर वो कहता है अगर एक प्लूरल नाउन हो और अगर एक सिंगुलर नाउन हो, तो पहले वाले केसेस में तो राम सिंगुलर था, शाम भी सिंगुलर था, बट यहां पे कह रहा हूं कि अगर एक प्लूरल नाउन है और सिंगुलर नाउन है, अगर आप उनको जोड़ रहे हैं किससे, और से या नॉर से, तो प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां देख लो इधर द मैनेजर, ये तो सिंगुलर है, बट असिस्टेंट्स क्या हुए, प्लूरल हुए, ये नाउन सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और आपका जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल वाला आएगा, देयर ड्यूटी, हिज ड्यूटी नहीं आएगा यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो
सो आइदर और से जुड़े या नाइदर नॉर से जुड़े, एक सिंगुलर हो अगर दूसरा प्लूरल हो तो जो हमारा प्रोनाउन है वो हमेशा प्लूरल आने वाला है। सुन, ये हमने इंडायरेक्टली कल कर ही लिया था। अगर एक प्रोनाउन रेफर करता है तो मोर देन वन नाउन प्रोनाउन डिफरेंट पर्सन के फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने प्रेफरेंस पहले देनी है फर्स्ट को। ऐसे कर लो, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ऐसे। ये देखो यू एंड, ये देखो आर, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से लेंगे, ठीक है। सेकंड पर्सन के हिसाब से क्यों, ये सेकंड है हैरी का, थर्ड ये देख लो, सेकंड सेकंड के हिसाब से है। अब यू एंड आई है, ये सेकंड है फर्स्ट है, तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से है। यू सेकंड पर्सन है, हैरी थर्ड पर्सन है, तो मैंने बताया कि फर्स्ट को पहले मिलती है, सेकंड को फिर थर्ड को, तो योर किसके हिसाब से आया, फर्स्ट के हिसाब से। बड़े इजी है, सुनने से कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपने रूल्स देखने हैं, सेंटेंस आपके पास है खुद बना लो चाहे, और रूल्स को रिवाइज रखो, बस हो जाएंगे। सो ये बड़ा ही इजी है, रिफ्लेक्ट सॉरी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल ईच अदर, छोटा सा ये ईच अदर वन अदर, कुछ नहीं करना, दो पर्सन की बात हो रही हो थिंग्स की तो ईच अदर आएगा, अगर दो से ज्यादा तो वन अदर आएगा। जैसे देख लो द टू कैट्स, अब दो है ना, द टू कैट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर या वन अदर, ईच अदर, क्यों, दो की बात हो रही है। ये देखो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हेल्प ईच अदर या वन अदर, वन अदर, क्लास में तो ज्यादा बच्चे होते हैं ना, दोस्तों बड़ा सिंपल है ये तो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ईच ईदर नीदर, क्योंकि दे रेफर टू पर्संस और थिंग्स वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम का मतलब एक एक करके, एक एक करके रेफर करते हैं, इसीलिए सिंगुलर होते हैं हमेशा। और आई थिंक इस बार तो पेपर में भी आया हुआ इसके ऊपर, एनडीए में, एनडीए सीरीज में आया, एक में आया, आई थिंक एनडीए में आया, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर होंगे, तभी तो ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल, सिंगुलर रहेंगे हमेशा। ईच ऑफ द मेन वॉज पे 20 rupees, वेरी इंपॉर्टेंट, नीदर ऑफ द मेन वॉज, आइदर ऑफ द रोड्स, ये देखो ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स, सिंगुलर आएगा। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस बार क्वेश्चन पे आया हुआ है, ये वन एट अ टाइम को मानते हैं, एक में से एक एक करके बात करते हो आप बेसिकली, ठीक है। ये देखो ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज, उसमें से एक एक निकाला है ना आपने, काफी सारे स्कॉलर्स में से एक, ईच ऑफ द मैन, एक एक मैन की बात कर रहे हो, उस समय सिंगुलर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, हमेशा सिंगुलर आएंगे क्योंकि एक एक की बात होती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, स्टूडेंट जब जो जो डूअर होता है काम करने वाला और रिसीवर सेम हो ना,
अब ऑब्वियसली देखो यार, हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे थे, जो सब्जेक्ट का कोई कोई काम करता है वर्ब के साथ, उसका हमेशा प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। यहाँ कहता है अगर डूअर और रिसीवर एक ही है, ये देखो अगर डूअर और रिसीवर एक है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये देखो आपको, आपने जरूर पढ़ा हुआ, ये देखो जिनके पीछे सेल्फ सेल्फ लगता है ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, क्योंकि इसमें डूअर और रिसीवर दोनों सेम होते हैं। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द चेयरमैन, ये देखो मैंने अपने आप को किया है ना, डूअर रिसीवर तो सेम है इसमें। आई इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ या हिम टू द चेयरमैन, आई इंट्रोड्यूस हिम, मैंने किसी को किया है, अपने आप को नहीं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। देखो आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द चेयरमैन, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम, मैंने ही अपने आप किया, मैं ही ड्यूअर हूं, मैं ही रिसीवर हूं एक्शन का, ये एग्जांपल था एक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इंडायरेक्टली कल बताया भी था कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसीलिए फॉर्मल इंट्रोडक्शन में मैं कभी रिकमेंड नहीं करता माई सेल्फ बोलने का, ऑलवेज से माई नेम इज माई सेल्फ। जब भी आप लगा के बोलते हो आप ग्रामेटिकल एक एरर कर रहे हो, ग्रामर रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो जो कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता सेंटेंस का। माई सेल्फ कभी नहीं बोलना, माई नेम इज पूरा बोलना है, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है, याद रखना। सुन वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ वर्ब्स करेंगे हम जिसके साथ हमेशा आपका लगना ही लगना है, ये देखना इसके बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब देखो अवेल एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मैंने खुद अपॉर्चुनिटी अवेल की, अवेल एक वर्ड ऐसा वर्ड। अपने ऊपर लागूगी बेसिकली, देखो आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, सो इसका मतलब एग्जाम में अगर आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी आ जाए वो गलत होगा, आपको रिफ्लेक्सिव लगाना ही पड़ेगा, ये ग्रामर का रूल है। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। दूसरा है एंजॉय, शी एंजॉयड हरसेल्फ एट द पार्टी, देखो आएगा ही आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, अवेल, एंजॉय, एब्सेंट, He absented himself from school. अब मेरी बात सुनो, जब तुम absent होते हो अपनी अपनी वजह से ही तो होते हो ना यार, स्कूल तुम्हें absent करता है, स्कूल कभी absent, तो वो तो छुट्टियां दे सकते हैं तुम्हें, absent तो तुम ध्यान से लगाओ अपनी वजह से ही होते हो ना, बीमार हो गए या कहीं तुम्हें जाना पड़ गया, तो यू absent yourself from the school. स्कूल आपको absent नहीं करता, ये याद रखना। So, अवेल के बाद इंजॉय और एबसेंट, ये सभी के सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पक्का लेंगे, और इसमें आते आते कुछ स्टूडेंट्स बी वेरी कॉशियस, ये रिवाइज करना बस, रटे रटे मत मानना इसको। अब ये रिजाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजाइन के दो मतलब है, एक तो आप जॉब से रिजाइन कर दिया, दूसरा आपने सरेंडर कर दिया किसी को। अब जब ये सरेंडर की सेंस में होगा ना तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सरेंडर का मतलब जैसे कि मैं बोलता हूँ, कई बार दुखी नहीं होते हम लाइफ में, हम कहते हैं आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू द फेट, फेट का मतलब किस्मत, किस्मत जो होगा देखी जाएगा, ये वो वाला केस है, आपने सरेंडर कर दिया, हथियार सारे जो फेंक दिए, ठीक है। ये देखो ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट, अगर आप ये करें इसका मतलब, ये गलत है, इसका मतलब याद रखना ही रिजाइंड हिमसेल्फ फ्रॉम द जॉब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस केस में होगा? जब रिजाइन की सेंस बनेगी सरेंडर, तो ये सही है, ये गलत है। डिस्गाइज करना, छुपा लेना अपने आप को, ये भी अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ बेगर, वो बेगर बन के आया, छुपा ली अपनी असलियत और लोगों के सामने क्या बन के आया? बेगर।
अडेप्ट ही देखो, वी अडेप्टेड आवरसेल्व्स टू द एनवायरनमेंट, आवरसेल्व्स आ गया, ये देखो वी के हिसाब से बना ना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये तो प्लुरल था, सो वी अडेप्टेड आवरसेल्व्स टू द एनवायरनमेंट, अडेप्ट कर लिया हमने, रिकनसाइल द मैनेजर रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, दोनों ने देखो हमेशा मैनेजर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम होती है जब दोनों के जो डिमांड्स पुल्स एंड पुश है वो एक अलाइन हो जाए, एक हो जाए दोनों की, सो द मैनेजर रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, मान ली उसकी बातें बेसिकली समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट इसका बेसिकली झुकना, ही प्रोस्टेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर, वो अपने मास्टर के आगे झुक गया, झुकने की सेंस में होता है, एक्विट इक्विट नहीं करता, आपको इक्विट कर दिया कोर्ट ने, बरी कर दिया, उसमें भी यूज होता है ये, द फॉर्मर डेप्टी मैजिस्ट्रेट इक्विटेड हिमसेल्फ वेरी एफिशिएंटली, मतलब क्या हुआ, कोई डीएम था उसने आपको बड़ी ही चतुराई से साफ अपने आपको अपनी उसको साफ कर दिया केस को और इक्विट करवा दिया, बरी करवा दिया, ठीक है, कुछ और भी है देखो ये लेते हैं स्टूडेंट्स, नोट कर लो, बना लेना सेंटेंस से, अम्यूज एवेंज एग्जर्ट प्राइड एडजस्ट ओवरीच, He adjusted himself to the changing scenario. ये बना दो सब लेंगे ये reflexive. ये important थे इसे मैंने अलग से करके लें. बहुत important थे. आते रहते हैं. ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे, आप प्लीज इसको रिवाइज करना, काफी सारे रूल्स हैं, ठीक है, और इजी है, कुछ भी नहीं है, आप करते रहें, आगे भी बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है, सब इसको कल कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक प्रोबेबली मैं फिनिश करवा दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, लेट मी थिंक ओवर इट, लेट मी पॉन्डर ओवर इट क्या करना है, ठीक है, चलो टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक फॉर योर पेशेंस, बाय।